देखिए अभी हम गैलरी से आ रहे हैं, इंटरनेशनल गैलरी लगी हुई है ऑडिटोरियम एएमयू की तरफ, और वहाँ डिफरेंट स्टॉल लगे हैं। इसी सिलसिले में हम एएमयू की एक छात्रा हैं जिनका नाम अर्शी गुप्ता है, उनसे इंटरव्यू लेते हैं। अर्शी हाँ, ये बताइए, आपने ये गैलरीज वगैरह वहाँ देखी है, इंस्टॉल लगे हैं, आपको कैसे महसूस हुआ और क्या आप अपने व्यू देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? सर, ये 4 दिन का फंक्शन है आर्ट नीश, और इसमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म आर्टिस्टों के लिए रखा गया है जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है पेंटिंग्स के लिए। अलीगढ़ में रहते हुए आर्टिस्टों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और प्रमोशन मिल रहा है आर्ट को लेके, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमको अपना टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। अच्छा, बाहर क्या जो ये आर्ट गैलरी वगैरह यहाँ लगती है या जो भी स्टॉल लगे हैं, जो ये इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है, तो आप कैसे महसूस कर रही हैं? आप यूट्यूब पर देखती होंगी, बाहर के भी फंक्शन देखती होंगी, बाहर के भी ये कारकर्दगी देखती होंगी आप, और यहाँ भी देख रही हैं आप, उसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगी? सर, अभी मैं एग्जीबिशन में अलीगढ़ का माहौल बताया जाए तो पेंटिंग्स को लेकर इतना कोई अवेयर नहीं है कि ये क्या चीज़ है, बजाय जो हम फॉरन में देखते हैं, तो वहाँ पे आर्ट को लेके इतना प्रमोटेड है कि आर्टिस्ट इज बिग प्रोफेशन जो कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, बजाय यहाँ इंडिया में लोग पेंटिंग्स में अपना इंटरेस्ट कम दिखाते हैं क्योंकि दे प्रेफर कि डिजिटल इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में वो बस नेट से अपना प्रिंट आउट किया और अपने कमरे। आप फाइन आर्ट की दुनिया में क्या करना चाहती हैं? सर, फाइन आर्ट्स की दुनिया सर इतनी बड़ी है, आई वुड लाइक टू बी अ आर्टिस्ट। ओके, फिलहाल आप क्या कर रही हैं और अपना नाम एक बार होता है? सर, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएफए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आपका नाम क्या है? सर, अर्शी गुप्ता। ओके अर्शी, आपने ये फाइन आर्ट का डिपार्टमेंट भी देखा होगा जी। इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है और पहले के मुकाबले अब कैसे चल रहा है, और एएमयू में आप कैसे महसूस करती हैं या स्टूडेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है जो आपस में? मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स के मामले में सर टॉप 10 में है। ओह, वेरी गुड, वाओ। ओके, फर्स्ट नंबर कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? बाकी कई यूनिवर्सिटियाँ आपका आपका स्पेशलाइजेशन क्या है फाइन आर्ट में? सर, पेंटिंग। पेंटिंग, पेंटिंग में भी बहुत सी फील्ड्स होती हैं, तो उसमें पर्टिकुलर क्या है? कल्चर को लेते हुए मैं अपनी पेंटिंग कल्चर पर बनाती हूँ। ओके, पीस। देखिए, ये थी बीएफए की एक छात्रा अर्शी गुप्ता, उनका हम इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया। अर्शी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।